किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। आज किश्तवाड़ पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके चलते आपने देखा होगा किश्तवाड़ ज़िले के अंदर आए रोज़ कितने ड्रग पैडलर्स को पकड़ते जा रहे हैं। और आज जो किश्तवाड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, आज दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वो जो दो ट्रक ड्रग पैडलर्स हैं, उनके कहने के मुताबिक वो पूरे किश्तवाड़ को ड्रग्स फैला रहे थे। ये सिर्फ वो अपने यूज़ के लिए नहीं, बल्कि किश्तवाड़ की यूथ के अंदर भी वो जहर फैला रहे थे। ये किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। DYSP हेडक्वार्टर जो किश्तवाड़ के हैं आशीष गुप्ता जी, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। उन्होंने SHO किश्तवाड़ को बताया कि जो दो लोग जो हैं वो किश्तवाड़ के जो मालीपेट का एरिया है, जहां वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, वहां की तरफ से दो लोग आ रहे हैं, जिनके पास करीबन 1400 से 1500 कैप्सूल्स उनके पास हैं। उनको पकड़ने के लिए SHO किश्तवाड़ को डायरेक्शंस दी। SHO किश्तवाड़ ने वेलकम बोर्ड के पास एक नाका लगाया, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। दौराने चेकिंग जो लोग पकड़े गए, उनका नाम गुलाम नबी, सनब गुलाम नबी वाजा, आरओ वसरकोंड किश्तवाड़। दूसरा जो शख्स है वो मुश्ताक अहमद, सनब गुलाम अली, आरओ नवापाची, मड़वा का रहने वाला है। जब इन दो लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके बाद उनको चेकिंग की गई, उनके बाद उसके पास, उन दोनों लोगों के पास जो है वो करीबन 1400-1500 जो टैबलेट्स उनके पास निकली, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ मुंतकिल कर दिया गया वहाँ से। उसके बाद उनके जब तफ्तीश की गई, उन्होंने कहा, उस तफ्तीश के दौरान उन्होंने कहा कि हम ये सिर्फ ड्रग्स खुद को नहीं ले रहे, बल्कि किश्तवाड़ की जो यूथ है उनमें भी सप्लाई करते हैं, उनको भी बेचते हैं। आपने देखा होगा आए रोज जो किश्तवाड़ के अंदर जो ड्रग्स आए दिन फैलता ही जा रहा है, कंट्रोल में नहीं हो रहा है। मगर आज SSP किश्तवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, नए हैं, कुछ ही दिनों पहले ज्वाइन किया हुआ है। उनका कहना है कि हमारी जो जंग है, जो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ है, वो सिर्फ आज नहीं, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से किश्तवाड़ को ड्रग्स फ्री करने में हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे किश्तवाड़ को हम ड्रग्स फ्री करेंगे। जिन दो शख्स के पास 1400 से 1500 जो टैबलेट्स पकड़ी गई हैं, उनको FIR लगाया गया है। FIR नंबर 14/2023 के तहत उनको FIR लगा दिया गया है। उसके बाद SSP किश्तवाड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो लोग हमें इंफॉर्मेशन इन लोगों के बारे में देंगे, उनके साथ हमारा एक पेज फेसबुक पर है किश्तवाड़ पुलिस, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। उन्होंने एक और नंबर उस फेसबुक पेज पे और प्रेस रिलीज में साझा किया हुआ है, मैं भी आपके साथ वो नंबर साझा करूंगा। जो नंबर उन्होंने बताया है कि आप हमें खुफिया तरीके से वो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और जो लोग हमें इंफॉर्मेशन देंगे उनका नाम जो है सेक्रेट रखा जाएगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जो नंबर उन्होंने उस फेसबुक पेज के ऊपर साझा किया है और जो आज प्रेस रिलीज उन्होंने दी है, उस पर जो नंबर दिया है 9906154100, एक बार और सुन लीजिएगा, जो नंबर SSP किश्तवाड़ ने साझा किया है 9906154100, एक नंबर जो है फेसबुक के ऊपर भी साझा किया गया है, शेयर किया गया है, और जो आज प्रेस रिलीज के अंदर भी उन्होंने ये नंबर दिया है कि आप इस नंबर पर कभी भी किसी भी वक्त हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। जो कहीं भी इस किस्म की एक्टिविटीज कोई कर रहा होगा, उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ SSP किश्तवाड़ जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हमें इस बारे में पता देंगे उनको उसका जो है इनाम भी दिया जाएगा। SSP किश्तवाड़ ने जो नंबर लोगों के साथ साझा किया है, उन्होंने कहा है कि जो हमने आपके साथ जो नंबर शेयर किया है, उस पर आप कभी भी किसी वक्त भी हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी किश्तवाड़ के अंदर इस किस्म के हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले दिनों के अंदर किश्तवाड़ को ड्रग्स फ्री किया जाएगा। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ रायपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। सबसे प्रायोरिटी नंबर वन सबकी, जो लोग आए मिलने, कि एंटी ड्रग्स काम होना चाहिए, क्योंकि ये हर घर में प्रॉब्लम है, हर फैमिली इफेक्टेड हो रही है और उसमें प्रोन है। तो उसके चलते हमने टीम्स बनाई हैं, वी आर इंश्योरिंग कि एक्शन हो इनके खिलाफ। तो इसी कड़ी में हमने दो लोग
कल इवनिंग में अरेस्ट किए, उनमें एक है मिस्टर मुश्ताक अहमद सन ऑफ गुलाम अली रेजिडेंट ऑफ नवापाची मड़वा, और दूसरा है गौहर नबी सन ऑफ गुलाम नबी वाजा रेजिडेंट ऑफ वसरकुंड किश्तवाड़। तो इनके खिलाफ FIR लगाई है और चेकिंग के दौरान इनसे कैप्सूल्स मिले हैं और टैबलेट्स मिली हैं। ये जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं ड्रग्स की शेप में, ये इन्होंने कंसाइनमेंट जहाँ से लाई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग से सामने आ चुका हमारे पास। बट ये लोग यहाँ काफ़ी अरसे से डिफरेंट जगहों पर सेल करते हैं, तो पैडलर को पकड़ना, कंज्यूमर को इफेक्टेड पार्टी, लेकिन पैडलर को पकड़ना हमारी प्रायोरिटी है, वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अभी हम इनके खिलाफ एक FIR नंबर 14 तो किश्तवाड़ थाने में लगाई है। इसके अलावा जो पिछला रिकॉर्ड है अभी हम निकाल रहे हैं, और वी विल इंश्योर कि इनके खिलाफ पिट एंड DPS में भी प्रिवेंटिव एक्शंस हों। बिसाइड अब इसमें था जो मैं बताऊंगा कि ये आई कंसाइनमेंट कहाँ से है, तो इसके लिंक हमें कश्मीर से मिल रहे हैं, कश्मीर रीजन में साउथ कश्मीर से जो सप्लायर है उसका नाम पता चल गया है। एंड अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे कि वो भाग जाएगा, बट वी विल इंश्योर कि वहाँ की टीम जो पुलिस से टाई अप करके उसको भी इस केस में लाया जाए, और साथ साथ में इनकी बाकी डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट्स एंड जो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस हुई है और फर्दर किसके साथ हुई है, और कुछ एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक भी हमें मिल रहे हैं इस केस में, किससे बात हुई, कितने बजे कहाँ से चले, एवरीथिंग। तो सारे पहलुओं पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि एक टिपिकल केस रहे जिसमें इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई खामी ना रहे और इनको सजा मिले। दो दिन पहले DC ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी NCOD की, और स्पेशली वो टास्क असाइन किया गया है DM को सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के, और उसमें ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट, एक्साइज, फॉरेस्ट, पुलिस, और साथ में जो उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें प्लान डिवाइस किया गया है, क्योंकि इसको चीफ सेक्रेटरी साहब मॉनिटर करते हैं कि वहाँ कैमराज लगने चाहिए, उनके रिकॉर्ड की एडिटिंग होनी चाहिए, कितनी मेडिसिन आई और बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन कहीं सेल ना हो, अगर हो तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो। सो वो एक डिवाइस प्लान है, मंथली बेसिस उसकी रिव्यू हो रहा है, और पिछला एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने उस दिन रिव्यू किया, और अब आगे भी हमने प्लान किया कि उसमें रेगुलर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी एसोसिएट किया, डॉक्टर्स को भी, और अगर कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन बेचेगा और उसके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन होगा, और अगर इन केसेस में कहीं लगा कि किसी मेडिकल शॉप से सप्लाई ली है इन्होंने, वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनेगा। बट बहुत प्रिवेंटिव अवेयरनेस और बाकी जो इसमें रिक्वायर्ड स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी विल इंश्योर कि इनके खिलाफ एक्शन हो और यहाँ एक माहौल बने कि जिससे वाकई ही इन बदमाशों को डर होना चाहिए और बच्चे हमारे बच्चे। जी दिस इज ऑनली क्राइम कि जो अपने आप बंदा करता है अपने खुद के। सो एक बच्चा ड्रग्स लेता है, अगर अपनी नस्ल तबाह करता है, अपना करियर तबाह करता है, और साथ में उसको सजा भी होती है। बिसाइड्स ये एक ऐसी डिजीज है, कोई ये ना कह सके कि किसी का बच्चा इन्वॉल्व है मेरा बच्चा नहीं होगा। डेफिनेटली आपका बच्चा उसी स्कूल में जाएगा, उसी माहौल में जाएगा, और वो उसको भी इन्फेक्शन फैल सकता है। सो हम इंश्योर करेंगे और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। हमने फोन नंबर और जो मेल ID है, पासवर्ड और सॉरी इसके फेसबुक के अकाउंट वो भी शेयर किए हैं, उस पर शेयर करें सीक्रेटली जहां जहां आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। दैट आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी चाहिए कि आप टाइमली सही इन्फॉर्मेशन दें, रेस्ट एक्शन हम करें।